5th class. My school name is Senalai Public School. My dream is IAS officer. My hobbies is playing, writing, dancing. मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है. मैं जब भी फ्री रहती हूँ तब मैं राइटिंग ही लिखती हूँ. Sharma, principal of NRI Public School, want to thank the entire team of Kisme Kitna Hai Dam, which provided the right platform to the Anushka. And many, many congratulations to the proud parents and all the best to Anushka
for her bright future from the entire family of NRI Public School, Sundara. All the best, beta. Keep it up. Question. Using do, does or did. So when do we use do? We use do for and does for present tense and we use did for past tense. Okay, beta? Yes, ma'am. So the first question is, Misha sees an English film every Sunday, right? So what we are going to use? We are going to use does. Does Misha sees an English film every Sunday? Yes? Yes, ma'am. Alright. So the next one is, she looks up the difficult word in her dictionary. I am Preeti. I am a teacher in NRI Public School and Anushka is my student. She is very hardworking and brilliant girl. And in school, she used to participate in a number of activities and I'm sure she is going to make us proud. And I just wish her all the best. Teacher of Anushka, and as a teacher I see her that she is always take participate in any event that we organize in a school, and I wish her all the luck that she will make us proud and win the award. मेरा नाम विपिन है, मैं सुंदरा में रहता हूँ और मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ। थैंक यू मैं करना चाहूँगा केकेयूसीजी टीम की, जो कि अनुष्का मेरी बेटी है, इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और इसकी ज़िंदगी भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल, अक्सर ज़्यादातर बीमार रहती थी। अभी हाल में ही सेक्टर 6 पंचकूला में इसको एडमिट करा रखा था, इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी थी। अब जो कि पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी अभी भी उसके रह रहे कर कभी कभार तकलीफ होती रहती है, जो कि अभी भी इलाज उसका चल ही रहा है। बाकी और तो मतलब शुरू से ही हम इसके सपोर्ट में रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए तो हम धन्यवाद कहेंगे वरुण सर का और उनकी पूरी टीम का,
जो कि अब मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि ये जीत करके, फाइनल जीत करके अपने अपना स्कूल का, माँ बाप का और गांव का नाम रोशन करे। We can see them at night. We cannot see them during the day because of the light of the sun. The sun is also a star. The other stars are very far away from us. That is why they look so small. Long, long ago, the earth was part of the sun. Some were like little bits of the sun, got loose and shot out into the air. But they could not fully get rid of their father, the sun. They kept moving round the sun. It was as if a rock was tied to them and kept wheeling round the sun. My name is Sheila Devi और मेरा बेटी अनुष्का है। मेरे तीन बच्चे हैं। मेरी लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में और लिखने में। ये बहुत आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना स्कूल का नाम रोशन करे। ये जब भी मतलब घर पे रहते हैं, अपना तीनों भाई बहन पढ़ते हैं, एक दूसरे से मतलब लिखना पढ़ना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी जब बचपन से ही थी, उसको हमने कभी मतलब पढ़ने के लिए कभी वो नहीं करे कि पढ़ना है। वो बहुत पढ़ने में अच्छी थी, वो शुरू से ही पढ़ना मतलब वो करती थी, उसके लिखना बहुत पसंद था। मैंने कभी बचपन से मतलब कभी पेंसिल पकड़वा के कि नहीं, हमें पता भी नहीं लगा कि मेरी बेटी कब लिखने लगी, कब पढ़ने लगी। ये चीज़ बहुत मुझे इसकी आदतें बहुत अच्छी लगती। मैं के चटी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ तक लाने की वो करें। वरुण सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ तक लाने का मौका दिए। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये फाइनल में जाए। मैं भगवान से बहुत दुआ करती हूँ कि मतलब ये जीत गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? आई फाइन मैम। तो आज हम ABCD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ABCD। तो पढ़ो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for jug.
सुंडरा में रहता हूँ। ये मेरे क्या नाम है पड़ोसी हैं, बहुत ही अच्छे पड़ोसी हैं, मतलब हर चीज़ में काम आते हैं। और इनकी बेटी जो अनुष्का पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस राइटिंग कंपटीशन में बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, इसका जो है नेचर भी बहुत अच्छा है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इनके जितने बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं, इनकी आदतें भी अच्छी हैं, अपना हमेशा कहना में पढ़ाई में इनका मन लगा रहता है। शाम को हम वैसे ही सैर करते हैं, स्कूल हमेशा जाते हैं, कभी छुट्टी नहीं मारते हैं और हमेशा पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। कोई भी कंपटीशन होते हैं तो इनके जो है पेरेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट करते हैं कि आप जो है कोई भी पार्टिसिपेट हो, कोई भी कंपटीशन आए स्कूल में, किसी भी तरह का आए, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, या राइटिंग है, पेंटिंग है, कोई भी कंपटीशन है आपने पार्टिसिपेट करना ही करना है। कोई नहीं, अगर आप नहीं जीत पाओगे तो आप क्या नाम है कुछ उससे सीखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप जो है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। बाकी मेरी तरफ से यही बेस्ट विशेस होगी कि ये फाइनल में जो है अपना 100 परफॉर्म देके और विनर होके वापस लौटे और अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने पेरेंट्स का नाम जो है रोशन करे। मेरी बेस्ट विशेस यही है। जिन्होंने मेरे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू केके एचडी।